हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। पिछले दो भाग के वीडियो से आपने जाना कि किस तरह सरकारी योजनाओं और दूसरे जरियों से आप सस्ता इलाज पा सकते हैं, और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि कैसे आप कम खर्च में अपनी जांचें करवा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। कैंसर, अस्थमा, दिल और किडनी की बीमारियों में लंबा इलाज चलता है, लेकिन महंगे इलाज का खर्चा कैसे उठाएं, यह समस्या बहुतों के पास होती है। और इसका उपाय है कि दवाओं को होलसेलर के यहां से लिया जाए। वहां से दवाएं लेने पर करीब 40% तक दवाएं सस्ती पड़ती हैं और इलाज सस्ते में मुमकिन हो पाता है। इसके अलावा लंबे समय से किडनी की समस्या से ग्रस्त लोगों को डायलिसिस भी कराना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में लाइन लंबी होने और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होने की वजह से काफी परेशानी होती है। ऐसे में आप चैरिटेबल ट्रस्ट से कम कीमत में डायलिसिस करा सकते हैं। तो ये दो उदाहरण यह बताने के लिए काफी हैं कि इलाज महंगा होने की क्या वजहें हो सकती हैं। दरअसल इलाज में करीब 80% तक खर्चा दवा और जांच का होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इसे कम कर सकते हैं और इलाज तब महंगा भी नहीं रह जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि कम पैसे में जांचें कैसे करें। कम पैसे में जांच कराने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे जरूरी टेस्ट ही कराना चाहिए। अक्सर डॉक्टर कई तरह के टेस्ट लिख देते हैं जो काफी महंगे होते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से गुजारिश करें कि वह बेहद जरूरी ही जांच लिखें। यह सच्चाई है कि जांच में 40-60% तक का मार्जिन होता है। ऐसे में मरीज को असमर्थता बतानी होगी, तभी डॉक्टर कम टेस्ट लिखेंगे। अगर मरीज पहले ही बता दे कि वह बहुत महंगे टेस्ट नहीं करा सकता और जरूरी जांच ही कराई जाए, तो डॉक्टर जरूरी जांच ही लिखेगा। एक बार में कई तरह की जांच कराने से बेहतर है कि जिस बीमारी की आशंका सबसे ज्यादा है उसी का टेस्ट कराएं। वैसे भी 70% बीमारियां वायरस से होती हैं, जो 5-6 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। इसके लिए टेस्ट कराना या एंटीबायोटिक दवाएं खाना बिल्कुल सही नहीं होता। अगर बुखार है तो पहले दिन ही टेस्ट कराने के बजाय इंतजार करना बेहतर है। कराना ही है तो फीवर प्रोफाइलिंग के बजाय जिस बुखार के लक्षण नजर आ रहे हैं उसी का टेस्ट कराएं। और एक बात ध्यान रखें, टेस्ट पैकेज के चक्कर में ना पड़े। अक्सर 5,000 के टेस्ट 500 रुपए में कराने जैसे विज्ञापन पैथोलॉजी कंपनियां देती रहती हैं। सस्ते पैकेज के लोभ में कई बार लोग फिजूल के टेस्ट करा लेते हैं। इनसे बचकर रहें और वही टेस्ट कराएं जिनकी जरूरत है। इसके अतिरिक्त सीटी स्कैन, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड को लेकर भी मरीज को कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर लंग्स और चेस्ट के लिए सीटी स्कैन, सिर और गर्दन आदि के लिए एमआरआई और सॉफ्ट टिश्यूज यानी पेट के लिए अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। अगर पेट के ब्लड वेसल्स को देखना है तो कलर डॉपलर कराना बेहतर है, हालांकि इसके रेट ज्यादा होते हैं। इसी तरह सीटी स्कैन भी 16 स्लाइस यानी 16 फ्रेम से लेकर 320 स्लाइस यानी 320 फ्रेम तक होता है। कम स्लाइस वाले स्कैन के रेट कम होते हैं। इसके अतिरिक्त एमआरआई के लिए 1.5 टेस्ला से लेकर 3 टेस्ला तक की मशीनें आती हैं। कम टेस्ला वाली मशीन से टेस्ट कराने पर चार्ज कम देने पड़ते हैं। आप एमआरआई कराने से पहले डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि आप किस मशीन से एमआरआई कराना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टर को भी कई बार बारीकी से देखने के लिए ज्यादा टेस्ला वाली मशीन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, और अगर डॉक्टर 3 टेस्ला से टेस्ट जरूरी बताएं तो आप वही कराएं, डॉक्टर पर दबाव ना बनाएं। इसके अतिरिक्त आप डायग्नोस्टिक सेंटरों की भी तुलना कर सकते हैं। आप अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटरों से रेटों की तुलना कर लें। रेटों की जानकारी उनके वेबसाइट से भी मिल जाएगी या फोन करके भी आप पता कर सकते हैं। medicodeal.com और medifree.com कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग लैब के रेट्स की जानकारी आपको दे सकती हैं। यहां आप अलग अलग शहरों के टॉप लैब और हॉस्पिटलों का रेट भी कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि टेस्ट नामी लैब से ही कराएं। बड़ी लैब भी अक्सर डिस्काउंट रेट पर टेस्ट करती हैं।
आप उसका लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट हमेशा NABL वाली लैब से ही कराएं। आमतौर पर 6 महीने तक टेस्ट वैलिड माने जाते हैं, इस बीच टेस्ट रिपीट कराने की जरूरत नहीं होती। अगर डॉक्टर इस दौरान रिपोर्ट को मानने से इनकार करे तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसी तरह अगर डॉक्टर किसी खास लैब से टेस्ट कराने का दबाव बनाए तो आप उसे मना भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी मर्जी है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। पर ध्यान रखें कि आप भी प्रतिष्ठित लैब से ही टेस्ट कराएं। और तीसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इन दिनों बहुत सारी वेबसाइट भी टेस्ट के ऑप्शन दे रही हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इन साइट्स पर ज्यादातर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स हैं, 1mglab.com, healthcareontime.com, thiocare.com और pharmaeasy.in जैसी वेबसाइट्स दवा और टेस्ट दोनों कराती हैं और इन दोनों पर ही आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। कल जानिए दवाइयां सस्ती कैसे खरीदें, और अगर कोई मेडिकल निग्लिजेंस यानी इलाज में लापरवाही हो जाती है तो कैसे करें कंप्लेन के बारे में विस्तार से। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई अनुभव, प्रश्न या सुझाव हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, कमेंट करके पूछिएगा, हमसे आपको जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।